हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं फिर से एक बार ईयर का लेके आई हूँ, तो ईयर क्लीनिंग का वीडियो लेके आई हूँ, चैलेंजेस वीडियो। और ये पार्ट थ्री है, मैंने पार्ट वन पार्ट टू डाला है, अगर आप सबने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आज मैं पार्ट थ्री इसका डालने वाली हूँ, जो कि मेरे से एक चैलेंज ऊपर खड़ा हो जाओ बेटा बेड पे, चैलेंजेस वीडियो है। किसी व्यूवर्स ने मेरे से कॉमेंट किया था कि उनको पार्ट थ्री वीडियो देखनी है, और वो भी मैं अपने बच्चे का ईयर क्लीन करूं। तो ये काफी अदरवाइज चैलेंजेस वीडियो के तौर पे भी नहीं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि काफी आप सबके लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे बच्चों के बड़े के मुकाबले छोटे बच्चों का क्या होता है ना कि बहुत जल्दी कान में गंदगी भर जाती है। मेरे बेटे को तो मतलब हर 15 दिन 1 महीने पे कान साफ उसका मैं करती रहती हूँ, तो कान में बहुत जल्दी गंदगी भर जाती है। तो इस वजह से काफी आप सबके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि बच्चों को बहुत सावधानी पूर्वक से, क्योंकि बच्चे का जो कान होता है ना बहुत नाजुक होता है, और उसको अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा भी तेज ऐसे कर दोगे ना तो क्या होगा, उसको ब्लड निकलने लगेगा, कान के चदरे तक फट जाएंगे। तो इस वजह से आप सबके लिए भी काफी सावधानी पूर्वक ये वीडियो लेके आई हूँ। और प्लीज आप सब भी, जैसे मैं अपने बेटे का ईयर का क्लीनिंग करती हूँ, वैसे ही आप सब भी करें, और बिल्कुल सावधानी से करें, बिल्कुल इसमें जोर जबरदस्ती नहीं। और बच्चे भी काफी अच्छे से ईयर क्लीनिंग करवाते हैं, क्योंकि ईयर क्लीनिंग करते समय उनको भी नींद आने लगती है और उनको भी अच्छा लगता है, तो काफी अच्छे से करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम ईयर क्लीनिंग। तो आज में मेरे छोटा वाला बेटा है, हाय कर, हाय बोलो। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है? तुम बताओ क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, जोर से बोलो सब्सक्राइब। तो आज मैं इसी का ईयर क्लीनिंग करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, कम यार, आज क्या होगा, क्या होगा बताओ ना, बताओ ना। आज मेरे अभी का यार क्लीनिंग होगा। बड़ा शर्मिला बेटा है मेरा ये। देखो देखो आगे करोगे। तो चलिए यार क्लीनिंग करना शुरू करते। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पे। सबसे पहले तो टॉर्च लेना है, और यहाँ पे कॉटन ले लेना है, यानी कि रुई ले लेना है। और अगरबत्ती जो जल जाती है ना, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करते हैं उसमें, तो उसकी जो डंडी बच जाती है ना वही लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए टॉर्च, कॉटन और ये अगरबत्ती का जला हुआ लकड़ी, ये लेना है, ठीक है। तो ये ज़रूर ले, टॉर्च तो एकदम 100% लेना है आपको, क्योंकि टॉर्च के बिना बच्चों का ईयर कभी भी आप क्लीन या साफ मत करिएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मत करिएगा। मेरे यहाँ बारिश हो रही है, आप लोगों को ऐसे आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, काफ़ी अच्छा मौसम कर रखा है। तो देखिए ईयर क्लीनिंग के लिए मैं अभी जस्ट नहा के ही आई थी, तो उसके बाद वीडियो सोचा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बिजी हो जाऊँगी लंच वंच बनाने में। तो मैंने अगरबत्ती का जो डंटी था वो ले लिया है, और लेने के बाद क्या करेंगे कि जो कॉटन है ना उसी को हम इस डंटी में लपेट लेंगे, एकदम अच्छे से कॉटन को टाइटली पकड़ेंगे और इस तरीके का हम बना लेंगे यहाँ पे। तो कॉटन को लपेट लेंगे, लपेटने के बाद हम वापस टॉर्च ले लेंगे, अगर कोई है तो उसको आप टॉर्च पकड़ा दीजिए, अगर कोई नहीं है तो अपने गर्दन के नीचे टॉर्च लगा लीजिए, उससे भी काफ़ी कंफर्टेबल अच्छे से हो जाता है, क्योंकि अगर एडजस्ट करना होता है लाइट को तो अपना क्या करते हैं कि इधर उधर गर्दन को करके और लाइट को सेट भी कर लेते हैं, तो गर्दन में ही लगाना मुझे ज़्यादा सही लगता है, किसी की हेल्प लेना नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बेटे का ईयर क्लीनिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो इसके कान में जो था वो काफ़ी ज़्यादा गंदगी भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गंदा था इसका कान, तो मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। और ये बीच बीच में मेरा बेटा मस्ती भी कर रहा है, और बिल्कुल यही स्टेप आप फॉलो करिएगा, और उसके बाद आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से कान को क्लीन करवाने के लिए बैठेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं।
गाइस, आई होप सो कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हो रहा था, ये देखिए, और अभी कितनी धूप हो रखी है, तो मेरे यहाँ ऐसे ही हो रहा है, एक मिनट बहुत तेज धूप हो रही है, फिर बारिश हो रही है, काफी अच्छा मौसम है। तो आज की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो लेके आई हूँ पार्ट थ्री, आप आई होप सो कि अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही आप अपने बच्चे का ईयर क्लीनिंग करें, थोड़ा सा भी मतलब इसमें जल्दबाजी नहीं करें, आराम से बच्चे को सुलाएं, और फिर वो लकड़ी का जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती जो हम पूजा वगैरह करते हैं ना, तो अगरबत्ती जो होती है ना, उसकी लकड़ी में आपको कॉटन इस तरीके से लपेटना है, थोड़ी गीली हाथों से लपेटना है, और लपेटने के बाद उसको अच्छे से हल्के 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 निकालते हुए आप अपने बच्चों का जो कान है वो अच्छे से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही मैं आपको दिखाने आई थी, और आई होप सो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नई वीडियो के साथ, नए चैलेंजेस के साथ, या वीडियो जो भी आप कहिए, आप लोग का जैसा मन होगा वही मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।